राधे सब लोगों को। तो गाइस रसोई में आ गई हूँ पूजा पाठ करने के बाद। चंदन कटी का लगा हुआ है, पता चल रहा होगा आपको। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी आज नाश्ता, पहले लंच बनेगा बाद में। आज तो नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ, मिस्सी परौंठी भी बनेगी और पोहा भी बनेगा, और लंच में बनाऊँगी मैं टिंडे और भिंडी। तो शुरू करते हैं काम अपना। सो गाइज, पोहे को मैंने दो तीन बार धो के अच्छी तरीके से इसको मैंने छान लिया है। अब इसका तड़का तैयार करते हैं। सो गाइज, मैंने कढ़ाई में डाल दिया है करी पत्ता और राई। इसके बाद मैंने इसमें प्याज और शिमला मिर्च चॉप कर ली है, ये डाल दूँगी मैं, और थोड़ी सी मूंगफली भी डालूँगी। तो गाइस इसमें सब कुछ डाल दिया है मैंने, तड़का में प्याज शिमला मिर्च और हरी मिर्चें और मूंगफली करी पत्ता और राई सब डला हुआ है इसमें। अब हम इसे मसाले डालेंगे, नमक हल्दी सूखा धनिया गरम मसाला हल्दी सी मिर्च। गाइस खिला खिला हुआ पोहा मेरा तैयार है, देखिए। चलिए अब नाश्ता लगाते हैं। गाइस तो नाश्ता चल रहा है यहाँ पोहे का। नमक वगैरह ठीक है? चलो भाई नाश्ता करें। सो भिंडी मेरी हो गई है लगभग लगभग रेडी, जब कट जाए तो आधी रेडी हो ही जाती है। दुकान जाने के लिए। और सुनाइए कोई नई ताजी? नई ताजी ये है कि मेरा रैकेट टूट गया है, अब मैं नया लेने जा रहा हूँ। ये देखिए कैसे टूटा ही? ये नीचे लग गया, आपस में मिल गया। ये देखिए खत्म ही है, तो खत्म हो चुका है बस। ये भी ब्रांड लिया था आपने? हाँ वो नहीं। चलो ब्लैक में लेके आना पूरा, इसी तारे भी पूरी ब्लैक में ही हो, फिर जीतोगे आप देखना। मैं वैसे भी जीतता ही हूँ। अरे जी हाँ, अपने मुंह में मिट्टू बनना होता, खेलने से होता है। हाँ गुंजन रानी क्या चल रहा है? डस्टिंग चल रही है। बच्चे सारे स्कूल गए क्या आज? तीनों मुझे बच्चे स्कूल गए हो तो फिर काम जल्दी से सिमट जाता है ना। अब एक इधर पढ़ाओ एक उधर पढ़ाओ फिर नहीं हो पाता। ये वहाँ पे अंबिया सूख रही है अचार डालने के लिए। सब छत पे अंबिया डाल देते हैं अपने। 11 सारे समेट के जाएगी तू कपड़े है? मतलब कि तू, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तेरे साथ, तो तू इस वाला समेट के जाएगी सारे कपड़े। गाइस हमें गुरुद्वारे से बुलावा आया है, हमारी फ्रेंड ने पाठ रखवाया था गुरुद्वारे में, तो हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे गुंजन और मैं। तो टाइम हो गया, अब निकलते हैं गुरुद्वारे के लिए। तो गाइस गुंजन आ गई है तैयार होके और इसको नींद से उठा दिया जल्दी है। अरे नींद कितनी तेज आ रही थी वो पता ही है मुझे, और बेवकूफ ने ऐसे उठाया झटके में ना, तो मुझे ऐसा लगा कि भाभी तैयार हो तो देर हो गई, तू फटाफट उठ। भाभी तैयार हो तो देर हो गई, चल आ चले, वैसे देर हो जाएगी नहीं तो। यहाँ से बंद है देख, खुला आने वाला होगा ना। चल ये नहीं। अरे वाह भाई वाह, रेन रेन बारिश हो रही है, मौसम मस्त हो चुका है। तो यहाँ चल रही है बातचीत बारिश को लेके कि बारिश हुई कैसे। एकदम और एकदम लग जाएगी। बारिश हुई कैसे? आज लग रही है बरसे की।
डांस का डांस बरसो रे मेघा मेघा बरसो। डिनर की तैयारी शुरू हो गई है, मौसम बहुत अच्छा था, आज बारिश हुई शाम को, थोड़ी बहुत बारिश हुई, ज़्यादा नहीं हुई। तो डिनर मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, पनीर की भुर्जी बनाई है मैंने, और मैं भी इसको मैं स्टफ़ कुलचा कर दूँ। तो अब ये आएंगे शॉप से, अगर बारिश हुई तो ये नहीं ला पाएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो ये कुलचे ले आएंगे और स्टफ़ कुलचा बनाऊँगे। तो देखती हूँ बच्चों को कि वो क्या खाना चाहते हैं, चपाती के साथ भुर्जी या स्टफ़ कुलचा। लेकिन शुक्र है कि बारिश हुई, थोड़ी और तेज़ होती तो नहा भी लेते, लेकिन ठंडा ठंडा थोड़ा मौसम हो गया है, सही हो गया है मौसम। भाभी बना रही है एरोप्लेन, इनके लिए एरोप्लेन बना रहे हैं सर जी के लिए। कायशा का बन चुका है, कायशा का बन गया है, कुंजू का बन रहा है एरोप्लेन। हाँ। ये उड़ाएंगे बच्चे है ना, पहले ऐसे करके टर्न किया इसको, ऐसे किया अलग तुम्हारा रखो दूसरा क्यों ये तुम्हें उड़ाना नहीं आया सही से ना, तुम्हें सही से उड़ाना नहीं आया। अरे ऊपर से नीचे फेंको ऐसे, कुंज ऊपर रैलिंग पे खड़े होगे ना, यूं फेंको नीचे, अरे रैलिंग पे वहां बाहर जाके खड़े होकर नीचे फेंको। ये सिर पे क्यों लगा रही हूँ, वो कह रहे कि ओहो डिलीशियस घेवर, ये दो निकले हैं, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर के फेमस मदन के घेवर हैं, और ये हमारे चांदा साहब को बहुत पसंद है। तो चल रहा है डिनर, डिनर में क्या बनाया है ये पाव के अंदर स्टफिंग करके, कैसा लगा नंद? बढ़िया। राइस पनीर की भुज्जी बनाई थी रोटी में रोल कर खाने के लिए, या फिर स्टफ कुलचा बनाने के लिए, और ये ले आए हैं पाव, और पाव के अंदर देखिए किस तरीके से स्टफिंग करी है, चीज वीज लगा के, देखा बनाते कुछ है बन कुछ जाता है। चलिए करवाए डिनर, मुझे ऐसा लग रहा है धोबी घाट खुला हुआ ये पूरा। इतनी तेज सीरियल की आवाज आ रही है ना ऊपर, बिलाल ये वो, मतलब यहाँ पे किसी को आवाज नहीं आ रही अंदर। देखिए गाइस कितने सारे कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं इसे तय लगाने के लिए, ऊपर से लगा रखा मोबाइल, कहा रखा मोबाइल तूने अपना, ये मजे तो ये ले रही है सीरियल देखते देखते कपड़े का तय लगाना। और टाइम क्या हो रहा है, साढ़े दस, सवा ग्यारह।